दिल्ली का खेड़ा खुर्द इलाका, बदमाशों ने बंदूक की नोक पर दुकान लूट ली। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे शोर मचाते हुए ये तीन बदमाश दुकान में घुस जाते हैं। अपना खौफ फैलाने के लिए सबसे पहले एक बुजुर्ग को मुक्का मारते हैं, फिर दुकान पर खड़े ग्राहकों को बाहर भगा देते हैं। रिवाल्वर लहराते हुए लुटेरे धमकियां दे रहे हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान ये बदमाश गंदी गंदी गालियां भी दे रहे हैं। ये सब देखकर कैश काउंटर के पास खड़ा दुकानदार हैरान हो जाता है। इसके बाद तुरंत एक बदमाश कैश काउंटर के अंदर एंटर करता है और ड्रॉअर खोलकर पैसे की तलाश करता है, लेकिन जब उसे पैसा नहीं मिलता है तो वह दुकानदार को गंदी गंदी गालियां देते हुए अपने पास बुलाता है और कहता है कि यहां आ वरना गोली मार दूंगा। दुकानदार कैश काउंटर में आता है और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इस ड्रॉअर में थोड़े बहुत पैसे भी हैं। पैसे लेकर बदमाश जेब में रख लेता है और दुकानदार को बंदूक दिखाते हुए सारे बदमाश बाहर निकल जाते हैं। ये पूरी वारदात दिल्ली के खेड़ा खुर्द इलाके में मौजूद एक हार्डवेयर की दुकान का है, जहां शनिवार यानी कि 4 सितंबर को दिन दहाड़े लूट की वारदात को इन बदमाशों ने अंजाम दिया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है।